कोरोना की रोकथाम के लिए दिन रात ड्यूटी पर जुटे कोरोना वॉरियर्स के लिए सिंगरौली पुलिस ने मोबाइल कैफेटेरिया वाहन की शुरुआत की है, जिसके तहत ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को अब चाय नाश्ते के साथ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी द्वारा 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। टीके विद्यार्थी ने बताया कि यह मोबाइल कैफेटेरिया बैढ़न, मोरबा एवं गोरबी के कस्बाई अंचल समेत ग्रामीण इलाकों में चलेगा। बैढ़न का मोबाइल कैफेटेरिया वाहन बैढ़न एवं विद्यानगर में अपनी सेवाएं देगा। गोरबी में संचालित मोबाइल कैफेटेरिया गोरबी से लेकर बरगवा क्षेत्र तक चलेगा। मोरबा क्षेत्र काफी बड़ा है, इसीलिए यहाँ के लिए अलग से मोबाइल कैफेटेरिया वाहन की व्यवस्था की गई है। इस मोबाइल कैफेटेरिया वाहन से पॉइंट ड्यूटी पर लगे पुलिस जवानों के साथ राजस्व अधिकारी, चिकित्सक समेत नगर निगम के सफाई कर्मियों को चाय नाश्ते के साथ भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं भूखे राहगीरों को भी इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।